भारत 8वीं बार एशिया कप जीता, फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर बनाया नया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्च, इस योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को होगा फायदा। दूरसंचार विभाग रैंडम टेस्टिंग मैसेज भेज रहा है जिसमें तेज बीप के साथ मोबाइल स्क्रीन पर लिखा होता है इमरजेंसी अलर्ट सीवियर। सतना में पिस्सुओं के जरिए मनुष्यों में फैलने वाले संक्रामक रोग स्क्रब टाइफस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब तक इस संक्रमण के 25 मामले सामने आ चुके हैं। रीवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 में दतिया जिले के युवक ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर किया सुसाइड। रीवा में पुलिस ने कब्र से निकलवाया कुत्ते का शव, वेटरनरी हॉस्पिटल में कुत्ते की नसबंदी करने के लिए चिकित्सकों ने दिया था एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जिससे कुत्ते की हो गई मौत। रीवा स्कूलों में डीईओ का हुआ औचक निरीक्षण और साथ ही कई खामियां मिलने से संबंधित कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिला बिना सिर वाले बाघ का शव। आज 18 सितंबर को रीवा में आपकी होगी महारैली जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे सभा को संबोधित। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।